टीवी यूएसए वेख रहे हो भाई हरमिंदर का शहीदी दिहाड़ा मनाया गया साढ़े नाल सुखविंदर सिंह जी मौजूद ने गलबात करते हैं। सुखविंदर सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा साडा टीवी यूएसए। वाहिगुरू जी खालसा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। पहला तो मैं साडा टीवी चैनल का धन्यवाद करना जिन्होंने अज सारा ही भाई हरमिंदर सिंह का शहीदी दिहाड़े का समागम का सारा प्रोग्राम लाइव किया। वाहिगुरू इसनू रात दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बख्शे, चढ़दी कला बख्शे। तो मेरे छोटे वीर नू भी, मेरा बच्चा समान आ, इन्हू भी चढ़दी कला बख्शे। तो सच्चे पातशाह की रहमत दे नाल भाई साहब का यह 13वां शहीदी दिहाड़ा सी जिहड़ा बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल संगतां ने रल के सारयां दी संगतां दे सहयोग दे नाल मनाया गया वा। तो क्योंकि उन्होंने अकाल तख्त साहब तो जारी हुए हुक्मनामे ते पहरा दिंदिया होया अपना आप निशावर किया वा। तो जिस तरह मैं अगे गल कही सी कि संगतां ने, तो जो हुक्मनामा जारी होया संगतां ने अपना आप वार दिता, परचे भी दर्ज होए, जेलां भी भुगतियां। पर जिन्हां ने जारी किए सी उन्हां ने हुक्मनामे वापस लेके उदों संगतां दे दिलां नूं जदों नूं माफ़ी दित्ती तो बड़ी ठेस वड्डी पहुँचाई। संगतां दे हिरदे वलुंदरे गए कि एक उस पापी ने जिहड़ा गुरु साहब का सवांग रचदा वा, खंडे बट दे अमर दी नकल करदा अते बलात्कारी बंदा वा, कातल बंदा वा, उन्हूं माफ़ी देनी ये अकाल तख्त साहब के जथेदारां दी बहुत वड्डी भुल सी। सुरेंद्र सिंह जी, सत्त बंदियां ते सज़ा हुंदी है, सत्त बंदियां नूं, सत्त बंदियां दे परचे पैंदे ने, सत्त सत्त सालां दीआं सज़ावां कट चुके ने, हजे भी जिवें तुसीं कहा तलवार लटकी होई है, की लगदा है इंसाफ होऊगा उह बंदियां ते जिहड़े परचे है जिहड़ी सज़ावां कट गए उह तां ठीक है हुण अगे नहीं सज़ावां होणगीआं? इस तरह वा जदों जिहड़ी कोर्ट ना जुडिशल भारत दी इहदे ते सानू एतबार नहीं रहा क्योंकि इन्हें कदी भी साडे हक च सिखां दे हक च फैसला नहीं दिता। जदों भी दिता वा सिखां दे विरोध ही फैसला दिता वा। जिदां पिछले दिन घवद्दी वाली जिहड़ी जनानी सी जिन्हें गुरु साहब दा निरादर किया, बेअदबी की सी, उन्हों सिंघां ने गड्डी चाड़िया सी, भाई निहाल सिंह होना, भाई गुरप्रीत सिंह जागोवाल ने होर भी उहदे विच सिंघां नूं इनवॉल्व किया सी। पर वो वेख्या एक जिहड़ी वो छुट्टड़ जनानी सी जिन्हें गुरु साहब का निरादर किया, तो एक किड्डी क मतलब देश भगत सी। गुरु ग्रंथ साहब तो उपर कोई है? गुरु ग्रंथ साहब जी दे सत्कार नूं मुख रखदा सिंघां ने चटकाई ते सिंघां नूं उम्र भर दी सज़ा है ना। इस तरह एक मैगजीन पिछे जे मैगजीन का मसला आया सी, एक मैगजीन दो फड़े गए सी सिंघां दे घरों, तो उन्होंने उम्र भर दी सज़ा, 20-20 साल की सज़ा। होर भी जिस तरह साडे सिंह प्रातन जेलों के रोल रहे हजे तक सानू इंसाफ तो मिलया नहीं। तो ये भी इस तरह होया जिहड़े भाई हरमिंदर सिंह के कातल से उन्होंने बरी कर दिता गया, तो जिहड़े अपने सिंह सन जिहड़े गुरु के सिंह सन उन्होंने 7-7 साल दीआं सज़ावां दित्तियां गईआं। तुहानू लगदा जी जिहड़े बरी कीते होए ने कोई सत्कार सभा उहदे बारे कर रही है पैरोकारी? जिहड़े जितना जो भी पिछला जिहड़ा केस सी सारा ये गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार सभा ने सिंघां दा लड़िया, हाजे भी हर तरह परिवारों के नाल खलोते सी। असी अपील पाई हुई है चंडीगढ़ के, साडी अपील चल रही है, ठीक है ना। उहदे बेस ते ही जिहड़ी है जमानत मिलियां सी सिंघां नूं, ते सतगुरु कृपा करे रहमत करे ते ये सिंह बाजित बरी होण, क्योंकि ये सिंघां ने कोई आपदे घर के काम वास्ते नहीं, ये जदों जज्बातों के विच आ के जदों भाई हरमिंदर सिंह का कतल हुंदा उदों एक नहीं चलिया गया, उदों भी आम लोगों नाल कोई वतीरा नहीं होया ना, सिर्फ उन्हां नूं टारगेट कीता गया जिन्हां ने एक सारा काम कीता। जिन एक तुसीं इह भी एक इतिहास वा जिन्हां ने अपने आप के घर आपदे दुकानों नूं लका लिया जां सतगुरु जिहड़ा लिखिया है उन्होंने धन धन सतगुरु जिहड़ा उन्हां दा इक नारा वा वह उन्होंने मिटा लिया, उन्हां घरां नूं कुछ नहीं किया गया। जिहड़े नॉर्मल प्रेमी सन उन्हां नूं कुछ नहीं किया गया, जिहड़े आपदी रोजी रोटी कमाउंदे सी वैसे कई परम भुलेखां दे विच आ के उन्होंने दरां ते चल गए सन, उन्हां नूं किया गया वा। जिहड़े कट्टर सी जिन्हां ने भाई हरमिंदर सिंह दे शहीदी दे विच रोल निभाया सी कि उन्होंने ही उत्थों सारा कुछ किया, उन्हां नूं ही टारगेट किया सी, उन्हां दीआं ही दुकानां ते उन्हां लोकां दे ही घर साड़े गए सन, ते दूसरे किसी नूं भी कुछ नहीं आखिया गया। ते सिख दे कदी भी नहीं, सिख जिहड़ा वा कदी भी तुसीं वेखो सिख किसी का नुकसान नहीं करता, सिख हमेशा सरबत का भला मंगता, चढ़ती कला मंगता वा, पंथ की मंगता, देश की मंगता वा।
पर साढ़े ना सदा ही बलकरण सिंह जी जुल्म होंदा रहा, सिख कौम ना सदा जुल्म हो रहा। इतों असी इस देश वास्ते पता नहीं किन्नियां असी कुरबानियां दित्तियां, 93 सिर साढ़े लगे 100 दे विचों, 93% असी फांसियां ते चढ़े, 93% असी काले पानी दे जेलां भुगतियां, ठीक ना। इस देश की आज़ादी में साढ़ा 93% हिस्सा, 93% असी सिर दे के आज़ादी लई ते अज फिर असी गुलाम हाँ। सुखविंदर सिंह जी, कल वड्डी खबर आई है दिल्ली दे विच, कुड़ी अमृतधारी कुड़ी नूं पेपर नहीं देन दिता गया, उन्हें कहा गया कि तू आपदे कड़ा ते कृपान ला ते पेपर दे ला। की तुहानूं लगदा जो साढ़े नाल इहो जिहा वतीरा सरकार करदी होवे ते असीं फिर इंसाफ मंगांगे तां की तो मंगांगे? वेखो, मैं पहलों गल कही इंसाफ जिहड़ा वा ना इह सरकारां नहीं दिंदियां हुंदियां। इह साडी जिहड़ी श्रोमणी कमेटी आ ते जिहड़ी साडे सरमोर संस्था वा, श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार वा, इन्हां नूं सोचना चाहीदा, इन्हां नूं इहदे विरोध जिहड़ा वा इह फैसला लैणे चाहीदे आ। खड़ा होना चाहीदा उन्हां बच्चों के नाल जिन्हां दे उन्हां नूं पेपर नहीं दे दित्ते गए। ये एक साडी असीं इह बदकिस्मती गिण लो, पिछले तक ना श्रोमणी कमेटी का कोई बयान आया ना कोई बादल सरकार का आया, क्योंकि बादल सरकार कितना कितने दावा करती है कि असीं सिखां दी सरकार है। नहीं, बादल सरकार सिखां दी सरकार कित्थे रही? बादल सरकार वेले तो गुरु साहब दे निरादर होए, बेअदबियां हुई, गुरु साहब जी दे गलियां दे विच रोले गए, तो गुरु साहब बादल सरकार वेले सिंघां दे मुकदमे होए। 78 च भी बादल दी सरकार सी जदों अपना निरंकारी कांड वापरिया। सिखां दी कोई भी सरकार नहीं गी, ये पात्र बदले जांदे हन जदों चुनाव हुंदे हन, चेहरे बदले जांदे हन, सरकारां एजेंसियां चलाउंदियां हन। बादल दी गई, अमरिंदर दी आई ना, अमरिंदर दी सरकार वेले रुकियां, बेअदबियां हजे तक भी हो रही। इंसाफ ना सानू किसी सरकार अकाली ने दिता, ना कांग्रेस ने दिता, कांग्रेस ने देना ही की सी, जिहड़े अपने पंथ घुमाउंदे उन्हां भी नहीं दिता। इस करके ये जिहड़े आ बादल के आदि पंथक का मखोटा ही पाया होया वा, पर है नहीं पंथक हुंदे ते फिर गुरु साहब का निरादर पंजाब की धरती ते नहीं हुंदा इन्हां दी सरकार वेले। धन्यवाद। सो दोस्तों, इह सुखविंदर सिंह जी सी जिन्हां ने कहा कि जिहड़ियां भी पार्टियां ने ओह एजेंसियां चलाउंदियां चलाउंदियां ने, ते सारियां पार्टियां इक्को थाली दी चट्टे बट्टे ने। कैमरा परसन अवतार सिंह दे नाल बलकरण सिंह डब्बाली, साडा टीवी यूएसए डब्बाली।